कैरियर काउंसलिंग की प्रदेश अध्यक्ष वंदना तिकाम जी से चाहेंगे कि आपके समक्ष दो शब्द से संबोधित करें। सबसे पहले यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और नतमस्तक सेवा जो है सभी को करती हूँ। और यहाँ आए हुए हमारे युवा स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ और सेवा जो है सभी को। आज हम यहाँ पर पछाड़गढ़ की पावन धरा पर उपस्थित हैं अपनी संस्कृति को लेकर। मतलब मुख्य मुद्दा आज हमारे समक्ष ये है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। सबसे पहले उसमें उसके लिए सबसे पहले हम अपने कैरियर को कैसे आगे ले जाएं उस पर भी ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक हम अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। ये हम देख रहे हैं जमाने के साथ जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी संस्कृति वैसे पीछे छूटती जा रही है। तो यदि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, एक अच्छा एजुकेशन पाना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करना होगा जो हमारे मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है उससे भी बेहतर ये होगा कि जो बच्चे आ रहे हैं हमारे नौ जो मतलब प्राइमरी एजुकेशन जिन्होंने स्टार्ट किया है तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद माध्यमिक स्तर पे ध्यान देना होगा क्योंकि हम ग्रामीण अंचल पे देख रहे हैं कि उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही पीछे ही होता जा रहा है। क्योंकि हमें सभी को पता है जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अभी तो यहाँ पे है तो जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है 5वीं पास 8वीं पास तो उसमें जो है हमारे समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि जो वो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बेरोजगारी का स्तर देख ही रहे हैं कहाँ आसमान को छू रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि अपने घरों में जो बच्चे हैं प्राइमरी स्तर के माध्यमिक स्तर के उनको आप गाइड करें क्योंकि यहाँ पे सब कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हमें पता है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, एजुकेशन का स्तर क्या हो चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्तर क्या हो चुका है और बेरोजगारी आसमान को छू रही है। तो संस्कृति को वाकई में बचाना है तो शिक्षा का स्तर सुधारना होगा हमें। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सभी को। सेवा 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 सेवा।